Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Prati. Happy birthday to you. वाह वाह क्या बात है। अब मैं ये पूरा करूंगा और अभी एक-एक करके सब आ जाएंगे, एक-एक करके जाते जा भाई। अभिषेक उधर से कैमरा रोल है। हां रोल है, सब एक साथ ग्रुप चले जाओ। हां हां पहले बनाने के छोड़ देना सर। आप एक बार केक का आ जाओ, आप केक का एक साथ एक बार खिला देना। ए रुक जाओ सब अच्छा है। सच्चाई यार मैं अपने हाथों से आप सबको केक खिलाने वाला हूं। हां हां मजा तो इसी का ही है ना। व्हाइट प्रोफाइल बना के छोड़ दे। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया था, आप आए यहाँ पे मेरे साथ केक काटने के लिए। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, थैंक यू सो मच। आप आए और आई होप आपको मज़ा आया। मैंने आप सबको केक खिलाया मेरे हाथों से, यार मुझे ये करना था, मैंने मेरी ये ख्वाहिश थी। लेकिन शुरुआत सेलिब्रेशन की शुरुआत कल रात को हुई थी। मेरे क्लोज फ्रेंड्स आए थे केक काटने, तो कल रात से बहुत केक खा रहा हूँ मैं। आज भी मैंने केक खाया आपके साथ और भी केक खाना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पापा मेरे साथ हैं, मेरे क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेरे साथ हैं। ज़्यादा कुछ धमाकेदार नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल शांत सा सिंपल बर्थडे कर रहा हूँ मेरी फैमिली के साथ। खाना खा रहा हूँ उनके साथ, बढ़िया घर का खाना खाऊंगा मैं। और बस राज सर आपसे जानना चाहेंगे, प्रतीक की एक बर्थडे मेमोरी, जो चाइल्डहुड मेमोरी अगर आपको याद हो, आज जब हम बड़े हो जाते तो कहीं ना कहीं वो मेमोरीज याद रहती है। देखिए मेरे साथ इस बच्चे के बर्थडे को लेकर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं एक याद कहूँ तो एक याद नहीं, क्योंकि इसका बर्थडे हमारे सारे परिवार के लिए बहुत ही इमोशनल होता है और हम सब यही कोशिश करते हैं। कोशिश यही होती है कि सुबह इसके लिए मंदिर में या कहीं भी जाके प्रे की जाए, तो एक सिलसिला है जो चलता आ रहा है। और मैं तो खैर उसको मानता हूँ, तो इसलिए मैं वहीं से ही शुरुआत की। और दिन में बहुत सारे दोस्तों के फूल भी आए, बहुत सारे दोस्तों की गुड विशेज आई, मैं शेयर भी करूँगा। बहुत अच्छे दोस्त हैं जो हमारे दिल्ली में बैठे हैं, उनके भी गुड विशेज आई हैं, उनके फूल आए हैं। सभी लोग का प्यार मिलता है। तो ये एक है कि अभी इसने ये इसरार किया कि नहीं, हम सोच रहे थे हम सब लोग बाहर चले गए, लेकिन इसने कहा कि नहीं पापा आज घर पे ही। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो उसने घर पे और घर का खाना खाना है मुझे। तो ये 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 मुझे एकदम बढ़िया सिंपल बर्थडे मुझे सेलिब्रेट करना था विथ माय फादर, विथ माय फैमिली। सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को मुझसे गलती हो गई। मैंने सबको ये कहा कि भाई 5:30 बजे के बाद आना, क्योंकि हवन है, उसके बाद हवन भी है। हाँ, क्योंकि हवन के बाद में हम लोग फिर जो है और एक्चुअली हमारा हवन सुबह होता है। हाँ। लेकिन इस साल मैंने रिक्वेस्ट किया पापा को, प्लीज मेरे दोस्त आ रहे हैं कल रात, मेरे रात को दोस्त आ रहे हैं केक काटने, तो थोड़ा लेट हो जाएगा, तो सुबह सुबह 8 बजे का हवन प्लीज मत रखिए पापा। सर हवन सुबह ही होता है। हाँ जी सुबह ही होता है, लेकिन हम लोगों ने अपना जो भी पूजा वगैरह था कर ली। अब हवन इनसे अब नीचे हवन जो है 5:30 बजे जो होगा, तो सब लोग आना शुरू। हर साल होता है हमारा हवन, हवन हर साल मेरे मैं जब मैं बच्चा हाँ हो या ना हो जी, ये शूटिंग में भी कहीं बाहर भी होता है। तो पिछले साल जूम पे हुआ था पापा, मेरी शूटिंग चल रही थी, हम कोविड में भी हमने किया था जी, जूम पे किया था। तो ये ट्रेडिशन है हमारा। हाँ। हर साल हवन का ये हम करते रहते हैं। और बच्चों ने शुरुआत भी आयुर्वेदिया मंदिर से की है जी, जो इनकी जो पढ़ाई जो है इसकी भी, आर्या की भी, सब बच्चों की पढ़ाई वहीं से शुरू हुई जी। देखिए मैं बहुत ही लो प्रोफाइल आदमी हूँ, और अपने बच्चों के लिए भी मैं सही कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए,
लेकिन मैं इसके काम से बहुत आश्वस्त हूँ और बहुत ही जल्द एक बहुत बेहतरीन फिल्म जिसके अंदर प्रतीक का काम बहुत बेहतरीन है एंड ऑनेस्टली बस ईश्वर इसको मदद करे। हमने स्क्रीनिंग देखी, हम दोनों रो पड़े और पापा इमोशनल हो रहे हैं अभी, माय फादर इज गेटिंग इमोशनल। बहुत अच्छा काम किया। प्लीज देखिएगा दोस्तों, प्लीज दो तारीख सेकंड देखी, आज ही रखी है स्क्रीनिंग हमारी। क्या बात, प्लीज देखिए, जाओ मत यार, इंडिया लॉकडाउन की। अरे प्लीज यार, प्लीज जाइए, ये तो गुजारिश है मेरे लिए। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं बिल्कुल मेरे लिए जाइए, लेकिन फिल्म के लिए जाइए। बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म। और फिल्म एक ऐसा दस्तावेज है कि इसमें जरा सी भी अगर ऊंच नीच होती तो किसी ना किसी पे तोहमत होती, लेकिन मधुर इज ए ब्रिलियंट जीनियस डायरेक्टर। जिस तरह से उसने इस फिल्म को स्क्रिप्टिंग करी और जो उस फिल्म को उसने पेश किया है। पॉजिटिव ही रहा है अब तक, सिर्फ पॉजिटिव रहा है। काफ़ी सरप्राइज थे सब, फैमिली फ्रेंड्स सब, क्योंकि ये बहुत ही अलग किरदार है और लुक भी अलग है, गेटअप अलग है, काफ़ी इंटेंस किरदार है। तो बहुत सरप्राइज थे, काफ़ी एक्साइटेड रहे टीजर से। लेकिन ये और एक वो गड़बड़ हो गई थी जब टीजर लॉन्च हुआ था, तो वो आजकल हैशटैग होते हैं ना पापा, हाँ। ट्विटर पे, तो उस पर इंडिया लॉकडाउन आ गया था हैशटैग, क्योंकि हमारा टीजर रिलीज हुआ। तो पूरी दुनिया को लगा, मतलब देश को लगा कि हमारा देश वापस लॉकडाउन में जा रहा है। और तो ये गड़बड़ हुई थी, लेकिन ट्रेंड हुआ था टॉपिक, तो मतलब फिर लोगों को पता चला कि नहीं ये फिल्म है। और फिर वो मीम्स बनाई लोगों ने कि यार थैंक गॉड ये फिल्म है, हमें लॉकडाउन में नहीं जाना है। लेकिन नहीं, पर वेरी वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज, अच्छे रिस्पॉन्सेज आए अब तक। इनको हाँ नहीं, तो बस ये मधुर सर का कन्विक्शन था और इनका विजन था, उनकी क्या बोलते हैं, स्टबननेस को क्या बोलते हैं, उनकी स्टबननेस जिद नहीं थी, हाँ, थी बल्कि उनकी जिद थी कि नहीं, मैं उसने डिसीजन ले रखा था इनको, हाँ, बुलाने से पहले ही कहा था कि प्रतीक को मैं एक बहुत अच्छा रोल दे रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, ही वाज एब्सोल्युटली कन्विंस कि ये रोल प्रतीक ही करेगा। तो होता है डायरेक्टर का ना एक कंसेप्शन, एंड ही इज नोन फॉर दिस, मधुर सर इज नोन टू is known to give actors roles that they would never portray or the audience would never imagine them to portray. तो ये उनकी खासियत है। और मैं बस मैंने सरेंडर किया मधुर सर को, और बाकी आपको देखने मिलेगा 2 दिसंबर को। अरे प्लीज़ आप देखेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा ज़रूर इसका दीजिएगा कि मैं शायद हो सकता हूँ। मैं पहली फिल्म है कि मुझे जो है इस फिल्म के अंदर मैंने अपने आप को बहुत डिटैच करने की कोशिश की कि प्रतीक को मैं अपने रिश्ते के साथ में ना देखूं, और मैंने करने की कोशिश भी की, लेकिन फिल्म के एंड में जाके मैं हिल गया। फिर आई वॉज सो इमोशनल कि बहुत देर से रोके हुए था